अभिषेक बच्चन की घूमर का ट्रेलर आ गया है और अभिषेक बच्चन इस टाइम बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लास्ट मूवी बहुत ही बढ़िया थी, देखते हैं क्या हाल चाल है इसमें। बोला टू में भी देखेंगे क्या हिसाब करेंगे भाई। चलो 1 2 लॉजिकली एक हाथ से कोई देश के लिए खेल सकता है? नो no. लेकिन ये लाइफ ना लॉजिक का खेल नहीं है, ये लाइफ मैजिक का खेल है। मैजिक अरे एक्सप्रेशन तो अभी सिलेक्ट हो गई चाचा जी इंडियन टीम में, लेकिन ये साला मैजिक मेरे लाइफ में कभी खेलने ही नहीं आया। फिर एक दिन अचानक से कोई दरवाजे पे खटखटाया। खोला देखा मैजिक। कैसे मरूं? पंखे से रस्सी टंगा के या बेडशीट बांध के? बंद बंद। एक हाथ से कैसे करोगी? एक हाथ से जान लेना मुश्किल है, इंडिया के लिए फिर से खेलना अगर तुम चाहो बाएं हाथ का खेल हो सकता है। हाय अनीना, लेफ्ट ही है। लेफ्ट ही है। जिंदगी भर सिर्फ एक ही चीज साफ करने वाला तुम्हारा ये बाएं हाथ अचानक एक दिन जाग के बॉलिंग कर पाएगा। डायलॉग तो फुल क्या नाम है, डबल मीनिंग है भाई। हाथ छोड़ने तो चला दूंगा मैं। लूसर क्या महसूस करता है? आई नो। अरे श्री 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 अमिताभ बच्चन जी, विनर्स क्या महसूस करते हैं? I love this game, just love it. ये अभिषेक बच्चन की एक्टिंग दिन पे दिन बढ़िया होती जा रही है, पता नहीं आपे में बढ़िया होती जा रही है। जवानी तो खैर ऐसी निकाल दी इन्होंने। अच्छी बढ़िया बारी बढ़िया। मेरे को तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि ये मूवी मतलब ओरिजिनल है एक किसी के ऊपर बायोपिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। हाँ ज्यादा मतलब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, रिसर्च भी नहीं करी हमने मतलब ज्यादा, बट जैसे देख रहे हैं एक हाथ से बॉलिंग करनी तो मे बी ये इंस्पिरेशन बने काफी लोगों के लिए। अच्छी बनाई है भाई, अच्छी बनाई है मूवी तो। बढ़िया कॉन्सेप्ट चूज किया है, वो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एक्टिंग सबकी बहुत बढ़िया लग रही है अभी तो देखने से। अरे पिक्चर में अमिताभ बच्चन जी है यार, वो देखो यार आई थिंक वो कमेंटेटर बने हैं जितना देख के लोग। डायलॉग भाई डायलॉग भी बेहतरीन है, हिट कर रहे हैं डायलॉग। कुछ तो भाई नई चीज ही है बॉलीवुड में, जिस हिसाब में पूरा बॉलीवुड कॉपी करने पे लगा पड़ा है दुनिया भर की, वो दिखा रहा है बंदा कि हाँ भाई कुछ नया कॉन्सेप्ट भी चल सकता है। आप चलाओ मैं चलाओ वो तो तुम लोगों पे है, लेकिन फिर भी एक अच्छा क्या नाम है कॉन्सेप्ट तो उन्होंने मतलब कहना एक तरीके से। देखो हम भी हैं, अब ऐसी बात नहीं है कि हम बेकार पिक्चरों को भी अच्छा बता देते हैं, लेकिन जो भाई बढ़िया पिक्चर है जो बढ़िया कॉन्सेप्ट है उसे सपोर्ट करो। अब ऐसे नहीं है कि तुम सारी पिक्चरों को लाइन में के हाँ भैया बॉलीवुड बना रहा है बेकार है इसे बेकार है बेकार इसे बॉयकॉट कर दो या वो कर दो, ये चीज गलत है। अच्छा मूवी है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है भाई इन्होंने, क्या पता इंस्पिरेशन बने आगे लोगों के लिए। ज्यादा लोगों को पता नहीं होगी। हाँ ज्यादा लोग हर मूवी मास मूवी नहीं हो सकती। हम लोगों के दिमाग में सबने मतलब ये हो चुका है कि हम सबको चाहिए केजीएफ माल, लेकिन हर मूवी मास मूवी नहीं हो सकती ना। ऐसी मूवी बनेगी अगर इंस्पायरिंग मूवी होती है और ये बेहतरीन होती है भाई, बहुत इंस्पायर करती है भाई, बहुत बहुत अच्छी रहती है ऐसी पिक्चर्स। देखो करो भाई, आपका काम इतना ही है कि लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं।